अच्छा नहीं है। देखिए काजल राघवानी खेसारी सर जी के साथ में काम की थी, तो क्या वो पवन सर के साथ में फिल्म नहीं बनाई है? इतना बड़ा घाव हो गया था कि पवन सर खेसारी सर एक हुए हैं, तो अब किस चीज को लेकर भाई आप लोग बनाएंगे वीडियो? कैसे चलेगा पेट आप लोगों का? कुछ सोचिए अपने बारे में आप लोग, क्या करना है आप लोगों को अब आगे? और जो जो लोग बहुत विवाद के तौर पे पैसा कमाए हैं, अब उसी पैसा से आप लोग पान का दुकान खोल लीजिए। हाँ और 5 साल 10 साल तक उसी पान से आप लोग पान बेच बेच के अपना काम चलाइएगा। लमका कि गोलका? गोलका। 3 रुपया। वाह क्या बात। और खेसारी लाल यादव जी के साथ का प्रोजेक्ट मिलेंगे? हाँ उनके साथ तो वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। आपके गुरु हैं पवन पांडे जी, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं पवन पांडे सर से यही कहना चाहूंगी कि सर मुझे नमस्कार प्रणाम। मैं आपका भाई छोटू तबाही और आप देख रहे हैं तबाही न्यूज भोजपुरी। भैया पवन खेसारी तो सोशल मीडिया पर ट्रेंड, धमाल बवाल सब मच गए हैं। और पवन भैया और खेसारी भैया है हो गए हैं एक। और आ गया हूँ मैं भाई प्रीतिराज जी के पास, पवन सिंह से भी मिलकर आई हैं लखनऊ से प्रीति जी, और खेसारी लाल यादव के साथ, बैगन के साथ तो भाई गोलका लमका हुआ ही था। पहले ही बताइए कैसे बा? लमका कि गोलका? गोलका। 3 रुपया। वाह क्या बात। कैसे हैं प्रीति? मैं ठीक हूँ। और तबाही न्यूज के माध्यम से जितने लोग देख रहे हैं सारे दर्शकों को नमस्ते प्रणाम फिर से। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर गंगे। हरा हरा साड़ी भी पहन लिया है। सावन का गाना भी कर रहे हैं। प्रीति जी अभी पवन सिंह और खेसारी लाल यादव एक पंच पर एक हो गए जी, इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो बहुत खुश हूँ, बहुत 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 ज्यादा खुश हूँ। आप खुश हैं कि नहीं? अरे हम तो बिल्कुल खुश हैं। खुश होना चाहिए क्योंकि मैं अंदाज़ा मतलब अंदाज़ा लगाए हूँ कि पवन सर खेसारी सर एक हुए हैं, तो सबसे ज़्यादा कुछ मीडिया वालों जो हैं, मीडिया वाले नहीं यूट्यूबर जो, हाँ हाँ वही यूट्यूबर और कुछ लोग हैं जो एक तरफा वीडियो बनाते हैं, एक तरफा न्यूज लेते हैं। मैं उन लोगों को बोल रही हूँ कि अब आप लोगों का धर्म कर्म कैसे चलेगा, आप लोगों का पेट कैसे पलेगा? अब कैसे पेट पलेगा? अब तो दोनों भाई एक हो गए, अब कैसे वीडियो बनाइएगा? और ना विवाद होगा, और ना ही दोनों भाई लड़ेंगे, और ना ही झगड़ेंगे, और ना ही आप लोगों को लिए विवाद मिलेगा, और ना ही आप लोग वीडियो बनाएंगे, तो फिर आप लोगों का धर्म कर्म कैसे चलेगा? इसलिए मैं बोल रही हूँ कि सबसे ज़्यादा अगर किसी को दुख है तो कुछ यूट्यूबर है और कुछ मीडिया वाले लोग हैं, कुछ फेसबुक या गुंडे भी। हाँ वही जो रोस्ट करते हैं वो लोग भी हैं। तो अब किस चीज़ को लेकर भाई आप लोग बनाएंगे वीडियो? कैसे चलेगा पेट आप लोगों का? कुछ सोचिए अपने बारे में आप लोग, क्या करना है आप लोगों को अब आगे? नहीं ये अब ये दोनों भाई लड़ने झगड़ने वाले तो है नहीं, क्योंकि बहुत दिन बाद 2 साल 3 साल के बाद एक हुए हैं, तो हमें लगता है कि अब ये लोग हमेशा तक भाई रहेंगे, अब बीच में कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं। और जो लोग बहुत विवाद के तौर पे पैसा कमाए हैं, अब उसी पैसा से आप लोग पान का दुकान खोल लीजिए। हाँ और 5 साल 10 साल तक उसी पान से आप लोग पान बेच बेच के अपना काम चलाइएगा। मैं बोल रही हूँ कि पान दुकान का है खुलवा रही, गलत बात है ना? नहीं बताइए। देखिए विवाद ऐसे नहीं हो रहा था, आप मुझे नहीं बोलिएगा, आप हैं, आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं तो अपने आप पे नहीं लीजिएगा। विवाद ऐसे नहीं हो रहा था, विवाद ऐसे हो रहा था जैसे कि देखिए हम जानते हैं कि दोनों भाई में लड़ाई हुआ है, ठीक। अब हम एक दूसरे से जाके पूछेंगे कि पवन सर खेसारी सर ने आपको बोले हैं कि आपके पास 4-4 बीबियाँ नहीं रह पाई, तो वो बंदा अपना शिकायत सुन के शांत तो नहीं बैठेगा, गुस्सा तो आएगा। अब वो भी गुस्सा में आग बबूला होकर कुछ ना कुछ जरूर बोलेगा। फिर अब वो जब बोलेंगे तो फिर इधर आएंगे उठ के, खेसारी सर पवन सर आपको गाली दिए हैं, क्या बोलना चाहते हैं आप? अब इधर से खेसारी सर आग बबूला होंगे और उनको कुछ बोल देंगे, तो विवाद ऐसे फैल रहा था, समझे? विवाद ऐसे हो रहा था। अगर वही मीडिया वाले लोग जाके एक दूसरे से सवाल नहीं करते, चढ़ा ऊपरी नहीं करवाते, तो विवाद तो कब का ख़त्म हो गया होता, विवाद तो चलता ही नहीं, तो विवाद ये कुछ इंटरव्यू से ही बढ़ा था। अच्छा ये बताइए कि दोनों राम लक्ष्मण की जोड़ी जिस तरीके से भाई पवन सिंह मिले तो बोले कि भाई हमेशा बनी रहे, मैं तो भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि हे भगवान इन दोनों का जोड़ी हमेशा बनी रहे, क्योंकि हमारे एक हमारे इंडस्ट्री के दोनों बड़े बड़े स्टार हैं
और ये लोग आगे आगे चलेंगे तो पीछे पीछे हम लोग भी छोटे छोटे कलाकार देखते देखते आगे बढ़ेंगे। तो मैं चाहती हूँ कि भगवान से, तो मैं यही प्रार्थना कर रही हूँ कि प्लीज़ ये दोनों हमेशा तक अब भाई भाई ही रहे, दुश्मन नहीं। प्रीति जी, भोजपुरी इंडस्ट्री से क्या जातिवाद खत्म हो जाएगा? खत्म तो हो गया, खत्म हो जाएगा क्या? खत्म हो गया, भाई भाई मिल गए, जातिवाद खत्म। अच्छा, कुछ लोग नफरत फैला कर रखे थे, कोई बोलते कि मैं पवन सिंह का यूट्यूबर हूँ, कोई बोलते खेसारी लाल यादव का यूट्यूबर हूँ, अब उन लोगों को आप किस नज़र से प्रीति जी देखती है? मैं किस नज़र से देखूंगी, मैं तो बस वही बोलूंगी कि मुंह पे काली फूट आ गया और क्या। हाँ बिल्कुल भाई, प्रीति जी के तरफ से जोरदार तमाचा है। वैसे यूट्यूबरों के भाई सुपरस्टार को जो गली आते हैं क्रिटिसाइज करके टारगेट करते हैं तो बिल्कुल सही करिए। अच्छा प्रीति जी, आप पवन सिंह से मिली थी जाकर, पवन सिंह का व्यक्तित्व आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छे हैं, खेसारी सर जितने अच्छे हैं और उससे ज़्यादा अच्छे हैं, वो बहुत अच्छे हैं, दोनों सुपरस्टार अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। पहले ऐसा होता था कि प्रीति राज अगर खेसारी लाल यादव के साथ काम करेगी तो पवन सिंह के साथ काम नहीं मिलेगा, पवन सिंह के साथ काम करेंगे। देखिए ऐसा नहीं है, ऐसा पहले नहीं, माहौल तो ऐसा हुआ था, पहले हुआ था चाहे कुछ भी हुआ था लेकिन ऐसा नहीं, विवाह कुछ भी हुआ था लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए हम एक कलाकार हैं, मुझे सबके साथ काम करना है, इस इंडस्ट्री में रहना, लेकिन हम एक ही आदमी के साथ में हमेशा काम करेंगे तो कितना दिन तक करेंगे, कितना दिन तक दर्शक मुझे प्यार देगी? ऐसा नहीं है। देखिए काजल राघवानी खेसारी सर जी के साथ में काम की थी तो क्या वो पवन सर के साथ में फिल्म नहीं बनाई है? ऐसा नहीं होता है, प्रोड्यूसर और कंपनी के हिसाब से काम होता है। जो कंपनी बोलेगा कि मुझे यही लड़की चाहिए तो वो लोग कंपनी के हिसाब से काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब हम खेसारी सर के साथ बराबर काम करें तो पवन सर के साथ में काम नहीं करेंगे, पवन सर का काम करें तो खेसारी सर का काम नहीं करेंगे, ऐसा नहीं। हम लोग कलाकार हैं और ये लोग हमारे इंडस्ट्री के भगवान हैं और हमें दोनों भगवान को पूजना है। अच्छा बताइए कि रवि किशन और मनोज तिवारी बहुत बड़ा सराहनीय कदम उठाए कि दोनों को एक कर दिए, उन लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत 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 बहुत, मैं तो पैर पर रही हूँ सर। किनको? दोनों आदमी को। वाह क्या बात है। कि देखिए कहीं ना कहीं वो लोग सोच रहे थे इंटरव्यू, तो ऐसा नहीं है कि वो लोग नहीं देखते होंगे, विवाद और सब कुछ तो देखते होंगे, तो हमें लगता है कि ये ना सोच के, सोच विचार के ये एक शो रखा गया था इन दोनों को मिलाने के लिए ही, क्योंकि वो लोग वो दोनों सोच रहे थे कि ऐसे ये दोनों लड़ेगा और हम लोग तो अपना अपना काम छोड़ दिए हैं, अपने अपने सांसद में बिजी हो गए हैं और ये दोनों लड़ेगा तो फिर हमारा भोजपुरी डूबते जाएगा। तो हमें लग रहा है यही सोच विचार के ये लोग अवार्ड शो रखे और उसमें दोनों आदमी को मिला दिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद दोनों आदमी को। बिल्कुल धन्यवाद दे रही हैं पवन सिंह और खेसारी लाल यादव को, विशेष बधाई दे रही हैं और दोनों सुपरस्टार एक हो गए हैं तो बहुत अच्छा हो गया। लेकिन प्रीति जी, काजल राघवानी काफ़ी दिनों के बाद खेसारी लाल यादव जी के साथ मिले हैं और गले में चूमते हुए नजर आ रही हैं, क्या खेसारी लाल यादव और काजल राघवानी की जोड़ी एक बार फिर से देखने को मिलेगी या फिर गाने आना चाहिए मार्केट? जरूर 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 आना चाहिए। हाँ। जरूर आना चाहिए, उन दोनों का जोड़ी तो और धमाल मचाता है। काजल राघवानी जी को क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छी हैं, आइए मतलब कि गाना वाना के लिए, एल्बम के लिए कहना। वो जरूर आएंगे, जब मिल गई हैं तो ऐसा नहीं है कि काम नहीं करेंगे, करेंगे काम। अच्छा ये बताइए कि दोनों सुपरस्टार की मुलाकात जिस तरीके से हुई, ग्रैंड मुलाकात, दोनों में लगा है क्योंकि कोई दुश्मन नहीं था पहले से, ऑडियंस को आप क्या समझाएंगे? आप लोग दोनों को प्यार दुलार आशीर्वाद दीजिए और बहुत जल्दी हो सकता है उन दोनों का एक साथ में मूवी भी आ जाए, अगर आप लोग डिमांड करेंगे तो, कि खेसारी सर पवन सर आप लोगों का, आप दोनों का एक साथ में हम लोग मूवी देखना चाहते हैं, तो आप लोग कमेंट्स कीजिए और डिमांड कीजिए कि मूवी आना चाहिए दोनों आदमी के एक साथ में, राम लक्ष्मण जैसे। वाह क्या बात है, यानी कि राम लक्ष्मण की जोड़ी भाई एक हो गई है तो फिल्म तो जरूर आएगी। प्रीति जी ये बताइए कि क्या लगता है कि अब जोड़ी लगातार देखने को मिलेगी या फिर बाद में लड़ाई हो जाएगा? नहीं नहीं, हमेशा हमेशा देखने को मिलेगा। अच्छा वैसे जो रूम में से बैठ के यूट्यूबर जो गाली देते थे दोनों सुपरस्टार को, कोई इसको कोई इसको, अब उन लोग को आप क्या कहना चाहेंगे? मैं क्या कहना चाहूँगी कि बस अब यही कहना चाहूँगी कि रोजी रोटी के बारे में सोचें। हाँ। अब तो कुछ न विवाद नहीं, विवाद खड़ा होगा और नहीं कुछ होगा। हाँ। तो वो लोग अपने अपने बारे में सोचें। हाँ। क्योंकि स्टार लोग तो एक हो गए हैं। कौन सा मैंने काज करने के लिए बोलेंगे उन लोग? अब जो भी करे रोजी रोटी करने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना। पाने दुकान का कि जिलेबी दुकान। चलिए तो चलिए, प्रीति जी थे हमारे साथ में, काफ़ी मज़ा आया भाई। प्रीति जी का हमेशा फ़नी इंटरव्यू मैं करते रहता हूँ और हमेशा ऑडियंस पसंद करती है, तो भाई इनको पसंद करते हैं आप लोग, तो देखिए बहुत जल्द। अच्छा ये बताइए कि पवन सिंह और खेसारी लाल यादव जी के साथ, दोनों के साथ कब आपका ब्लास्ट गाना फिर आने वाला है? क्योंकि पवन सिंह के साथ आपका तो काम नहीं हुआ है।
नहीं हुआ है, लेकिन मैं करने गई थी। इस सावन में ही मेरा गाना ब्लास्ट आ गया होता और गाना बहुत ही अच्छा था। वो जो गाना था कुहू कुहू बोले ले कोयलिया, वो वाला गाना था। तो लेकिन ऐसे हो गया? मेरे यहाँ पे ना घाव हो गया था मेरा, इतना इतना बड़ा घाव हो गया था, और उसमें मेरा पार्वती जी का करेक्टर था तो नहीं हो पाया। लेकिन कोई बात नहीं, हो जाएगा। तो मैं आप नहीं आइएगा इंटरव्यू लेने? जल्दी से आइए, सबको पता चल जाएगा। अच्छा प्रीति जी, ये बताइए कि जिंदगी में कभी प्यार आपको हुआ था कि नहीं? नहीं ना। वाह क्या बात है, बहुत लोग प्यार के चक्कर में पड़ जाते हैं। नहीं। अच्छा सावन में मतलब कि लोगों को क्या कहना चाहेंगे? कुछ आपको महिलाएं भी पसंद करती हैं, कुछ दर्शक भी आपको पसंद करते हैं, उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे सावन में अपने तरफ से? सावन की ढेर सारी शुभकामनाएं जी। वाह क्या बात है। तो चलिए, पवन सिंह के साथ बहुत जल्द दिखेंगी प्रीति राज। हालांकि कुछ कपार में घाव होने के चलते ये गाना नहीं पवन सिंह के साथ किए भाई, और खेसारी लाल यादव जी के साथ का प्रोजेक्ट मिलेंगे? हाँ उनके साथ तो वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। आपके गुरु हैं पवन पांडे जी, उनके जी। लिए क्या कहना चाहेंगी? मैं पवन पांडे सर से यही कहना चाहूँगी कि सर मुझे फिर से आप अपना आशीर्वाद दीजिए और मुझे आगे बढ़ाइए, क्योंकि पवन पांडे जी के वजह से ही आज मैं कुछ भी हूँ और पटना में काम कर रही हूँ और रोज़ काम करती हूँ। और ये सबसे ज़्यादा अगर किसी को मैं मानती हूँ तो खेसारी जी से पहले भी, खेसारी जी से ज़्यादा मैं पवन पांडे सर को ही मानती हूँ, क्योंकि पवन पांडे सर के थ्रू मैं खेसारी सर के पास पहुँची हूँ। तो सबसे ज़्यादा मैं पवन पांडे जी को मानती हूँ। चलिए बहुत अच्छी बात, और बहुत अच्छा लगा प्रीति जी का इंटरव्यू करके। ना कोई कंट्रोवर्शियल, ना कोई विवाद हुआ, काफ़ी फनी तरीके से अपने जवाब को देते रहती हैं। जवाब कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जवाब जरूर दीजिएगा। लास्ट में दर्शक को क्या कहना चाहेंगे? आप लोग तबाही न्यूज़ को यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कीजिए। वाह बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।